ASMR. I'm the king. अबे दिखता नहीं क्या तुम? ओ सर आप सॉरी सर मुझे लगा कोई और है सर. I'm sorry. अच्छी तरह से जानता हूँ मोटे जान बुझ कर भिड़े हो तो मुझसे. Excuse me सर. सर आप कोई कैटरीना कैफ या करीना कपूर नहीं है कि मैं जान बुझ के भिड़ूंगा सर गलती से. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि अपने से बड़े ऑफिसर की बराबरी तुम कैटरीना कैफ और करीना कपूर से करो? हाँ? तुम शायद ये भूल गए हो कि मैं तुमसे बड़े रैंक ऑफिसर हूं और तुम मुझसे कितने छोटे रैंक. लेकिन ये बात मैं तुम्हें समझाऊंगा. कल सुबह ही मैं सबसे पहले कमिश्नर साहब से कहकर तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा. यू स्मॉल रैंक की हवलदार. मौका मिल जाए एक मैं छुट्टी कराऊंगा इसकी. ओ क्यों एंग्री फैट मैन हो रहा है? हैं? अरे मैडम ये सर रोज का नाटक है सर का रोज का. हाथ तोड़ के रख दिया मेरा. ओ क्या हो गया ना किसने धरलाया और योगे हो गया हाथ को. मम्मी जी ये आदमी मेरे हाथ के ऊपर कूद गया और मेरा हाथ तोड़ दिया जी. क्या हाथ के ऊपर कैसे कूद गया? यार गुलगुले ये आदमी पहाड़ी के ऊपर से मेरे हाथ पे कूद गया और मेरा हाथ तोड़ दिया. और तू अबे तू पहाड़ी के नीचे क्या कर रहा था? टार्जन बना घूम रहा है वहाँ. मम्मी जी वो क्या है ना जी मैं अपनी पड़ोसन लप्पी लूथरा के साथ जी पिकनिक मनाने गया था जी. नहीं हो सुन लो 80 साल का जो है पिकनिक बॉय. और तू कूदू क्यों कूद मरा हमारे हवलदार पे हाथ तोड़ दिया सुसरे का. हाँ जो कुछ भी है हमारी मैडम को जरा खुल के बता दो वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की दही पूड़ी का दही फैल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की चंडालिनी मेरा मतलब है राक्षसनी मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है. तुम बोलो. देखिए मैडम हमारा नाम है जिग्नेश मजबूरी में. मैडम हमारी सास है ना वो एक नंबर की ताना कसू सास है मजबूरी में. उसकी बेटी यानी कि मेरी वाइफ और मेरी सास है ना हमेशा मुझे बेइज्जत करती रहती है हमेशा ताने सुनाती रहती है मजबूरी में. मैं दिन रात काम करता हूँ लेकिन उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही मजबूरी में इसलिए तंग आकर मैंने मरने की सोची मजबूरी में. अबे कौन हो रही है ऐसी सासू जो इतने धांसू ताने दे रही है कि बेचारे दामाद की आंखों में आंसू आ रहे हैं. बुलवाओ सुसरी माँ बेटी ने. नमस्ते मैडम हम हैं अंतरा टची लिपस्टिक लगा के और ये है हमारी बिटिया डिम्पी. नमस्ते करना. ऐसा है तुम दोनों माँ बेटी के खिलाफ चौकी में FIR आई है कि तू सास स्पेशली जो है अपने इस दामाद ने कतई ताने मार मार के निपटा रही है. मैडम ये तो हम माँ बेटी की भल मानसता है जो हम इस खाली ढक्कन बासी मक्खन से रिश्ता निभाए हुए हैं वरना अब तक तो. खैर मैडम वो मेरे पति है ना सरजू महाराज उन्होंने इसकी फोटो दिखाते हुए कहा देखो टची कितना होनहार लड़का है और मैं मान गई. वो आपने सुना ही होगा कि होनहार बिरबान के हो चिकने पात हैं. अबे क्या कह रही है यो क्या कह रही है किस भाषा में बोल ली से? मैं बताऊं ये कह रही है कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात. बेसिकली मैडम बिरबान मतलब बिरयानी और होत मतलब हॉट होत हॉट हॉट यानी गरम और चिकने मतलब चिकन मैडम चिकन यानी कि ये कह रही है गरम चिकन बिरयानी. अबे तो तोतली हो रही है क्या हॉट को हॉट कह रही. ओ ये तू तो चुपी रह. मैडम हमारे कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये कमबख्त निखट्टू एक नंबर का निकम्मा निकल गया है. अरे हमने सोचा था कि शादी के बाद बड़ा होनहार ऑफिसर बनेगा मगर ये तो क्लर्क बन के रह गया है लिपस्टिक लगा के. अरे मैडम ये आज तक हम माँ बेटी की कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाया लिपस्टिक लगा के और मुंह उठा के चलाया हमारे खिलाफ FIR लिखाने. गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से परहेज भी करेंगे. आया बड़ा. अबे थारा के इन्वॉल्वमेंट हो रहा है केस में गुलगुले. I don't know मैडम गुलगुले पता नहीं कौन परहेज कर रहा है थारे से. I have no idea. देखा मैडम कैसे मुझे ताना सुना रही है मजबूरी में.
तू अंतरा सिस्टर ऑफ मंथरा अपनी इस ओया संतरा को लेके निकल ले, कल आ जाना इसी टाइम पे। ओके ओया, चलो बेटी निकलते हैं हम। ओया तू घर आज, घर आ तू, घर आज, देखूंगी तुझे। बोल रहे मैडम, अब हम भी चलते इस चौकी से नहीं लेकिन इस दुनिया से चल बसते मजबूरी में। ना बेटा, दुनिया से तू कतई ना निकलेगा, दुनिया से निकलेगा यो गुलगुले। आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चिंटोला बटक बिंटोला आइडिया आ रहा है ना। तो मैं जो है रैपटा थारे गाल पे चिटका दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम जरा कुर्सी के पीछे तो आइए। मैडम आप बिना एक नंबर। अरे भोली है, सुनिए जल्दी करो। ओ यार कोई नहीं दिख रहा। सुनो भैया, वो तुम्हारी मैडम ने बुलाया था हमें लिपस्टिक लगा के। हाँ तो मैडम ने बुलाया था तो वेट कीजिए, मैडम है नहीं अभी, तो आएंगी तब मिल लीजिएगा। आप वहाँ बैठिए, वहाँ चलो वा... बेटी वहाँ बैठते हैं। ओया क्या खबर? खबर मैडम के वो आंटी, लिपस्टिक वाली आंटी और वो ओया दोनों आ गए हैं। कहाँ? आपके पीछे बैठे हैं मैडम। मैडम जी हम आ गए हैं लिपस्टिक लगा के। ओया अरे हाँ, और भी काम हो रहे हैं चौकी में, आते ही तुम पे अटेंडेंस लगाऊं मैं। बाकी सब रेडी है मैडम? सब रेडी, रेडी, गुड। आई एम द किंग। सर सर ठीक है, लेटर किसके लिए? आपके लिए। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? चंद्रमुखी जी ने हाँ कह दी? कमिश्नर साहब ने हाँ कह दिया सर। मतलब कमिश्नर साहब ने ये लेटर आपके लिए दिया है सर। क्या लिखा है इसमें? मैंने पढ़ लिया है, इसमें लिखा है कि कमिश्नर साहब कुछ दिन के लिए आपके बड़े रहे के एक ऑफिसर जिग्नेश झांझा को यहाँ भेज रहे हैं, जो बहुत ही कड़क है और उसकी हर बात हमें माननी पड़ेगी। ओह ब्लडी हेल, मैं बात करूंगा कमिश्नर साहब से। सर 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 आई एम सॉरी बट इट्स टू लेट नाउ सर। सर मन्ने अभी अभी जो है ना फोन पे SMS आया है कि जो अपने सर है ना सीनियर अफसर जो आ रहे हैं जिग्नेश सर, वो ऑन द वे हो रहे हैं, मतलब किसी भी मोमेंट एंट्री मारते होंगे। अरे सर आई थिंक इज हियर। सर गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज, खुद को ही देखिए। ऐसे भी जिग्नेश जाए जाए मजबूरी में, हम बहुत कड़क है। हवलदार, हमने देखा कि आप लोगों ने हमें सैल्यूट करने में थोड़ी सी देर लगा दी, इसकी सजा मिलेगी। जाओ बाहर धूप में जाके खड़े हो जाओ। थोड़ा ज्यादा। सॉरी सॉरी। जी 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 सर। बचाओ। क्या सर? और ये बच्चा कौन है? सर सॉरी, मैं बच्चा नहीं हूँ सर, मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर हूँ। शट अप यू बदतमीज, खादी का कमीज, हमसे जुबान लड़ाता है। हम तुमसे सीनियर है, रैंक भी हमारी तुमसे ज्यादा है, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज के बाद जब भी हमारे सामने आओ सिर्फ टॉवेल पहन के आना। टॉवेल? यस, डोंट से नाउ, गेट आउट। सर वो कल आप अपनी फैमिली के संग आए थे, वेरी सॉरी सर हम आपको पहचान ना पाए, एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन ना आई थी सर। अरे इंस्पेक्टर आप तो क्या, हमारी सास और हमारी वाइफ वो दोनों भी हमें नहीं पहचान पाए, क्योंकि हम आज तक अंडर कवर कॉप थे, लेकिन आज वो कवर हट गया है। पता है आपको,
हमारी सास और हमारी पत्नी हमें बहुत परेशान करती थी, लेकिन आज के बाद वो भी हमें परेशान नहीं कर पाएगी मजबूरी में, क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है मजबूरी में। वैसे आजाद आप क्या कर रही है, डिस्को चले? अरे सर, डिस्को जाने की क्या जरूरत है, ये बाप आ गए हैं ठाणे को ही डिस्को बना देते हैं। नहीं अंकिल, कल मेरा जीके का टेस्ट है, पांच एनिमल के नाम बताओ ना। पांच जानवर के नाम? शेर, चीता, हाथी, गेंडा और पांचवा। पांचवा आसान है अंकिल, मुलायम सिंह गुलगुले। तेरी तो अबे। ओहो, व्हाट इज दिस? बंद कीजिए चंद्रमुखी जी, फॉर गॉड्स सेक बंद कीजिए गाना बजाना। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे सीनियर ऑफिसर के काम में दखल देने की मजबूरी में? तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक काम करो, कल सुबह से चौकी की सारी गाड़ियां धो देना, चक्कर चक कर देना। खड़े क्यों है? गेट आउट। सर डोर इज देयर। बाय सर। मैडम ये तो मेरे पे भड़क गया। अरे वेरी गुड, बढ़िया एक्टिंग, माइंड ब्लोइंग। लेकिन मैडम आपका तो काम हो गया, लेकिन मेरा क्या होगा मजबूरी में? बेटा थारा तो जो है ना तीर एकदम निशाने पे लग गया है। थारी बीबी के एक्सप्रेशन देख लिया था मैंने डांस के वक्त। अरे कतई जल भून के राख हो गई। अबे कोई भी वाइफ जो है ना यो बर्दाश्त ना कर सके कि उसका पति किसी और के संग सेट हो रहा हो। इब देख थारी बीबी अपनी अम्मा की राहों से निकल के थारी बाहों में कैसे आवे। बढ़िया, चल चाय पिए। हे भगवान, ये सब क्या करवा रहे हो मुझसे? क्या कसूर है मेरा, बोलिए क्यों करवा रहे हो ये सब मुझसे? सर अब क्या है सर, के जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाएगा ना सर। सर अब आपने रैंक बोया तो आपने रैंक पाया। मैं कहता हूँ भाग जा यहाँ से मोटे, भाग। अरे सर, अरे सर यहाँ पे बहुत गंदा है सर, इसे जरा ठीक से क्लीन कीजिएगा प्रॉपरली। अच्छा एक काम कर, तू भी बैठ जा। नहीं, नहीं, तुझे भी क्लीन कर देता। खाना आ जा क्लीन। सब क्या हो रहा है राज आर्यन? ये पूछिए कि ये सब क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है ये पूछिए कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है सर? कि मुझ जैसे इस चौकी के चीफ इंस्पेक्टर को आज जीभ धोना पड़ रहा है। हाँ हाँ बताइए, ये किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से सर। मेरी वजह से? यस आपकी वजह से सर, क्योंकि आपने मुझसे बड़े रैंक ऑफिसर को यहाँ चौकी में भेजा जो मुझसे आज जीभ ढुलवा रहा है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैंने किसी ऑफिसर को यहाँ नहीं भेजा। आपने नहीं भेजा सर? बिल्कुल नहीं भेजा। मतलब श्योर आपने नहीं भेजा? 100% नहीं भेजा। तो मैं समझ गया सर। क्या समझ गया? मैं क्या समझा सर, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले किसी और को समझाना है सर। थैंक यू सो मच सर। मैडम हमें बहुत टेंशन हो रहा है। अबे टेंशन मेंशन ना ले, थारी बीबी और सास को बुलवा लिया है हमने, आती होंगी वो। बेटा आज तो यहाँ ऐसा ड्रामा होगा ना, दोनों औरतें कतई बौखला जाएंगी, बर्दाश्त ना कर पाएंगी। I'm the king. काम करियो, फाइल भिजवा देना। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। सर सीनियर रैंक के अफसर के संग क्या कर रहे हैं आप, बावड़े हो गए। अरे रैंक गया टैंक में, नहीं खाऊंगा मैं अब, नहीं खाऊंगा मैं बेइज्जती के रोटी के साथ, अब इंसल्ट का चार नहीं खाऊंगा मैं। कंफ्यूजन, भले ही मुझे फांसी हो जाए until that, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। ओके टाटा बाय बाय। नहीं सर नहीं, हम पर गोली मत चलाइए। क्यों? अरे आप जो हमें समझ रहे हैं ना वो हम नहीं है।
हम कोई ऑफिसर नहीं है, ना ही हमारे पास कोई रैंक है। अरे ये सब कुछ तो है ना, हमने मैडम के कहने के अनुसार किया था। यू चंद्रमा जी, आपके कहने पर? यस। क्यों सर? सर ऑफिशियली सर, सर बिकॉज ऑफ ड्यूटी। अरे यार सर एक मिनट, सर बोलने का मौका देंगे सर प्लीज। प्रोसीड सर। ऐसा है, इस आदमी ने लिखाई है FIR जहाँ थाने में। सर इसकी जो है ना एक बीबी से, एक है सास मतलब बीवी की अम्मा, दोनों मिलके जो है इसको सुसरे को एकदम ही ताना दे रही कि तू साले किलर है और लाइफ में कभी राइज ना कर पाया और मतलब ओहदा वोहदा थारा बिल्कुल बड़ा ना है। ऐसा कह कह के इसको जो है बिल्कुल ही एकदम ही घटिया सा महसूस करवा रही। इस चक्कर में इसने यहाँ FIR लिखवाई, तो हमने इससे कह कही कि हम जो है छोटा सा एक ड्रामा करेंगे थारे संग, तेने जो है एक झूठ मूठ का अवसर बनाएंगे, थारे संग जो है मैं डांस बीन्स करूंगी है। तो इसकी बीवी देख के जो है ना रियलाइज करेगी सर, ह्यूमन वूमनली रियलाइजेशन कि भाई महारा पति जो है एक अवसर तो बन गया पर हमारे हाथ से निकल गया। सर दिस इज अ वे ऑफ हैंडलिंग केस सर ऑफिशियल। ओके लेकिन सर जी आपने आके सारा गुड़ गोबर कर दिया। हाँ तो कोई गुड़ गोबर नहीं हुआ है भैया, ये तो बहुत अच्छा हो गया है, सब सुन लिया हमने अपने कानों से लिपस्टिक लगा के। देखा कैसा झूठा और बेईमान हो रहा है तुम्हारा पति है लिपस्टिक लगा के। चुप, झूठी और बेईमान तू है। वो ना है झूठा और बेईमान। अबे डायन भी सात घर छोड़ के डाका डाले और तू, तैने तो अपनी बेटी का घर जुगाड़ दिया। और तू बेटा ऐसा थारा तो जो है सुहाग भी उजड़ने वाला था। ओए यार ये क्या कह रही हैं आप? अबे पर्वत से छलांग लगाने गया था थारा पति, नहीं ना गोपी के हाथ पे जाग गिरा, हाथ टूटवा लिया इसने। अबे तैने डिवोर्स ना दिया, इसने इतना प्रेम कराया थारे से, दुनिया से ही डिवोर्स हो रहा था। जरा सी भी अगर शर्म हया हो रही है ना तो पति से माफी मांग, पैर धोके पीसा लेके। ना मारे जैसा पति हो तो देख कान के नीचे। ओ ये मुझे माफ कर दीजिए ना डिम्पी। ओ ये मामा तुम चुप रहो, आज से तुम अपने घर पर रहोगी और मैं अपने घर पर अपने पति के साथ। ओ ये चलिए ना। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारा घर फिर से बसा दिया मजबूरी में। ओ यार बम यार, सरजू जी को फोन करना पड़ेगा। हे भगवान, हेलो सरजू जी, ए जी सुनो हमारे घर, हेलो हेलो, लगता है फोन ही काट दिया। कहाँ जाए डिम्पी? अरे डिम्पी डिम्पी। वाह चंद्रमुखी जी, वाह 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 वाह, I'm impressed। देखो चंद्रमुखी जी, आपने मेरे साथ क्या किया वो मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि किस खूबी से आपने इस बेचारे घर को बसा दिया। इसका तो बसा दिया, अपना कब बसाएगी घर? जब मन ने मिल जाएगा कोई लंबा सा वर। ओह, I'll wait dear।